एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक में काफी बड़ी ट्रेंड दिखी है और यहाँ देखेंगे तो मोर देन 3% के तेजी में ये स्टॉक ट्रेंड करते दिख रहा है। तो आखिर इसके पीछे के वैलिड रीजन और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 1 मंथ के ट्रेंड तो निगेटिव रहे थे, हालांकि 6 मंथ में पॉजिटिव रहा, 1 ईयर का पॉजिटिव रहा, 5 ईयर का पॉजिटिव रहा और अगेन देखेंगे तो 5 डेज के ट्रेंड अगेन रिवर्सल दिख रहा है क्योंकि आज स्टॉक में एक तेजी दिखी है। एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर ऑफ टाटा पावर यू शुड अवेयर ऑफ रिजल्ट डेट विच इज 8 नवंबर 2023। 8 नवंबर 2023 को इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और उससे पीछे एक बड़ी खबर आई जिसके बाद इस स्टॉक में बड़ी तेजी दिखी है। वो खबर पहला मैं यहां दिखाऊं तो 8 नवंबर को क्वार्टरली नंबर्स डिक्लियर होने हैं। इसके अलावा यहां देखेंगे टाटा पावर, यहां देखेंगे ये जो TPREL, ये है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसके लिए दीपेश नंदा जी को एज अ प्रेसिडेंट, यहां देखेंगे CEO और MD के रूप में जो है बनाया गया है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी पावर लिमिटेड स्टॉक के अंदर। और ये खबर एक बेटर खबर रही है जिसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। और यहां देखेंगे इनके बारे में, नंदा जी के बारे में, मिस्टर नंदा जी पिछले 8 लगभग 20 28 साल से पिछले 28 साल से इनको इस क्षेत्र के काफी जानकार हैं। और यहां देखेंगे ऑपरेशन जो है इन्होंने इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिटस, नेपाल, ही वॉज एडिशनली प्रेसिडेंट सीईओ ऑफ एरो डेरिवेटिव गैस टर्बाइन बिजनेस सेगमेंट ऑफ एशिया। मतलब ये है कि ग्लोबली इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य कर रखा है और काफी इंफॉर्मेटिव और विजनरी पर्सन लगते हैं, जिसके बाद ये तेजी दिखी है। जो ट्रेंड टेक्निकली निगेटिव दिख रहा था वो इस समय वीकली पॉजिटिव हो गया है। जो डिलीवरी है वो भी बेटर हो गई है और इसके अलावा कुछ बड़ी न्यूज नहीं है। एक बार इसके ट्रेंड को समझेंगे, ये कोई मतलब वो बोलते हैं कि रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमने क्या कहा था, दो मेजर सपोर्ट है, पहला 228 और दूसरा 210-12 के आसपास। और हमने कहा भी था कि चूंकि ये एक डिमांड जोन था तो अगेन यहां से प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड बनते दिख सकते हैं और जो एक्सपेक्टेशन था वही दिखा है। अभी मैं चाहूंगा कि 8 नवंबर के क्वार्टरली नंबर्स तक रुके, आप ऑलरेडी से स्टॉक में लॉन्ग हैं यहाँ कहीं या नीचे की ही बाइंग है और SL लेना चाहते हैं तो 236 के नीचे के SL को ले सकते हैं। अपर साइड 252 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा जो स्टॉक को 290, 340 और 400 तक का लेवल दिखा सकता है। और ये 230 और 255 के बीच का जो ये जोन है ये कंसोलिडेट जोन है तो काफी कौशन होकर के ही ट्रेड करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म व्यूज तो पॉजिटिव हैं। अगेन मैं कहूंगा वेट करेंगे ये जोन और दूसरा जो है 210-12 के बीच के आसपास का ये जोन जो दिख रहा है, इस जोन में दूसरा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे।